अब आ जाते हैं हाइड्रोपैथी पे। कोई बच्चा कह रहा था हाइड्रोपैथी का बहुत जरूरी है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में कितना, जैसे नाम से पता चल रहा है हाइड्रोपैथी मतलब हाइड्रोफोबिसिटी से कोरिलेट है। कहां से कोरिलेट है? हाइड्रोफोबिसिटी से। ठीक, तो यहां पर होता क्या है कि आपका ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन में, जो कितने जो हाइड्रोफोबिक रीजन प्रेजेंट है उसके बारे में जो है हमें पता करना रहता है। तो हम हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है उसको प्लॉट करते हैं। तो बिल्कुल वैसा है। अब यहां पर दो तीन चीजें होती है। पहली तो आप याद रखो हाइड्रोपैथी इंडेक्स। ये जो हाइड्रोपैथी इंडेक्स है ये क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी अमाइनो एसिड्स। एक चीज तो अभी केवल इतना याद रखो कि कोई हाइड्रोपैथी इंडेक्स है जो हमें बताएगा कि कोई अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड अगर है तो ये हाइड्रोपैथी इंडेक्स में पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। मैम प्लीज लास्ट पेज वन मोर टाइम शो कर दीजिए। अब देखिए पीडीएफ आपके पास आ जाएगा तो वो हो जाएगा। अब ये कर लेते हैं खत्म प्लीज। फोरिन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड, एक्चुअली ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है बिल्कुल, माइट्रोकॉन्ड्रिया की और बैक्टीरिया की भी। और जब मैं ऑर्गेनल्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बैक्टीरिया के सिमिलर जो है, या फिर जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सिमिलर बताया गया है। तो वहां हम इन चैनल्स के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस फोरिन का स्ट्रक्चर देखना है, कैसे किस तरीके का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो देखना है। ठीक है, तो अगर कोई अमाइनो एसिड नॉन पोलार है हाइड्रोपैथी में उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर कोई अमाइनो एसिड पोलार है तो हाइड्रोपैथी इंडेक्स में वो नेगेटिविटी या फिर आपकी नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये पॉइंट याद रखने हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि प्लॉट तब हम प्लॉट करते हैं, कोई ग्राफ हमारे पास तब आता है जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन हो। तो ये तो पहले ही बताया कि नॉन पोलार मतलब कि पॉजिटिव इंडेक्स और पोलार मतलब कि आपका नेगेटिव इंडेक्स। अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको कोई प्रोटीन दे दिया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे दी, और जब मैंने आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे दी और मैंने आपसे कहा कि जरा मुझे बताइए कि इसका हाइड्रोपैथी इंडेक्स या फिर इसका हाइड्रोपैथी ग्राफ क्या होगा, तो वो आप कैसे पता चल करेंगे, वो ही एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई अननोन प्रोटीन है, इस अननोन प्रोटीन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं या इसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं। जब हम इसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो हमें करना क्या है कि हमें छोटी छोटी सी पेप्टाइड चेन मिलनी चाहिए और कम से कम 7 to 16 अमाइनो एसिड के हमें फ्रेगमेंट तैयार करने हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। मैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एक बार समझा देंगे लास्ट में, क्या वो वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अभी हम जब ट्रांसफर, अभी तो मैंने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बस बताई है ना, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी तो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब हम ट्रांसपोर्टेशंस पढ़ेंगे तब मैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उस क्लास में फिर ये देखेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन थी, फ्रेगमेंट किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट होने चाहिए, कितने अमाइनो एसिड के, जिसमें 7 to 16 अमाइनो एसिड के छोटे छोटे से हमने क्या फ्रेगमेंट कर दिए। अब जब हम फ्रेगमेंट किए तो हमने एक ऐसा चैम्बर क्रिएट किया है जिसकी एक साइड पे आपका नॉन पोलार सॉल्वेंट है, एक साइड में आपका है पोलार सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को लेके आएंगे और सबसे पहले डाल देंगे नॉन पोलार सॉल्वेंट में, या नॉन पोलार सॉल्वेंट में सबसे पहले इनको डालेंगे। तो अभी ये एक ऐसे फ्रेगमेंट है
जिनके पास क्या है, पोलार और नॉन पोलार अमाइनो एसिड दोनों प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे कि इन्हीं सेगमेंट्स को अपना क्रॉस करेंगे या ट्रांसपोर्ट कराएंगे टुवर्ड्स पोलार सेगमेंट। तो एक चीज आप मुझे ये बताइए कि अब ये ऐसे फ्रेगमेंट हैं जिनमें से कुछ फ्रेगमेंट ऐसे होंगे जिनके पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रिच सीक्वेंस होगा, कुछ ऐसे फ्रेगमेंट होंगे जिनके पास नॉन चार्ज या जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच सीक्वेंस है वो ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसे फ्रेगमेंट जिनके पास चार्ज अमाइनो एसिड हैं जिनके पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि ये पोलार सॉल्वेंट है, तो वो कोशिश करेंगे कि पोलैरिटी की तरफ आए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे फ्रेगमेंट जो आपके पोलार फ्रेगमेंट हैं वो इजीली आ जाएंगे आपके पोलार सॉल्वेंट की तरफ, तो यहां पर हमें एनर्जी नहीं देनी और ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ डेल जी जो है वो होगा नेगेटिव, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वहीं पर अगर आप नॉन पोलार फ्रेगमेंट की बात करें तो ये नॉन पोलार फ्रेगमेंट इस पोलार रीजन में तो आना पसंद ही नहीं करेंगे। ये कैसे कह रहे हैं कि हम नॉन पोलर हैं और हमें नॉन पोलर सेगमेंट में ही रहना है, तो जब आप इनको पोलार सेगमेंट या पोलार सॉल्वेंट में क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी एनर्जी। तो एनर्जी जब लगी तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, ये रिएक्शन होगी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसी से ये जो आपका जी नेगेटिव एंड जी पॉजिटिव जो वैल्यू है यही आपका कहलाता है हाइड्रोपैथी इंडेक्स, और इसी से हमें पता चलता है कि अच्छा जो हमारा पास प्रोटीन था उसमें कितने ऐसे फ्रेगमेंट्स थे जो हमारे पोलार सॉल्वेंट में रहे, जो नॉन पोलार सॉल्वेंट में थे, तो उस बेसिस पे हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और बताते हैं अच्छा ये प्रोटीन है, अगर उसमें दो ऐसे फ्रेगमेंट्स थे जिनको पोलार सॉल्वेंट तक लाने में एनर्जी की जरूरत लगी, अगर कोई ऐसा था फ्रेगमेंट की जो आया ही नहीं पोलार में नॉन पोलार में, तो उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जो ग्राफ में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दिखती है वो बेसिकली डेल्टा जी है जो आपकी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताती है। तो ये चीज पहले कंफर्म करो फटाफट, ये समझ में आया क्या, ये हाइड्रोपैथी एक्सपेरिमेंट क्या है, ग्राफ तो समझ ही लोगे, ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, फटाफट रिवाइज कराती हूँ। प्रोटीन है, अननोन प्रोटीन है, कुछ नहीं पता कितना हाइड्रोफोबिक रीजन है कितना हाइड्रोफिलिक रीजन है, कुछ नहीं पता। सिंपली क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डालेंगे, उन्हीं छोटे फ्रेगमेंट को सबसे पहले पुट करेंगे नॉन पोलार फ्रेगमेंट सॉल्वेंट में, इसके बाद उनको क्रॉस कराएंगे पोलार सॉल्वेंट में, तो कुछ ऐसे फ्रेगमेंट होंगे जो नॉन पोलार अमाइनो एसिड सीक्वेंस होंगे वो आपके पोलार सॉल्वेंट में नहीं आएंगे, उनको लाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी जो होगी डेल जी, और ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी लगेगी नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, उसी वजह से जो आपका अब यहां पर नॉन पोलर अमाइनो एसिड होता है वो आपके पॉजिटिव इंडेक्स को शो करता है, बस इसी वजह से, इस रिएक्शन की वजह से, और जो आपके पोलर अमाइनो एसिड होते हैं वो नेगेटिव इंडेक्स को शो करते हैं। ठीक है, तो अगर अब ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है तो ये टेबल देख लो। फिर हुआ क्या ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सब ने ढेर सारा काम कर लिया और काम करने के बाद ये चीज आइडेंटिफाई कर दी कि जैसे आपके जो अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, जो भी आपके नॉन अमाइनो एसिड नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, उनका हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या क्या होगा। जैसे अगर आप ग्लाइसिन की बात करें तो ये -0.4 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लाइसिन तो आपका नॉन पोलर अमाइनो एसिड है और नॉन पोलर अमाइनो एसिड मतलब हाइड्रोपैथी इंडेक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि जो आपका ग्लाइसिन है वो लिटिल बिट पोलैरिटी को शो करता है। अगर आप उसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वहां पर केवल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एच प्रेजेंट होता है, और उसी लिटिल बिट पोलैरिटी की वजह से उसका जो हाइड्रोपैथी इंडेक्स है वो -0.4 आता है। बाकी आप पूरे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को देखें तो ये पॉजिटिव में जाते हैं, वहीं पर अगर आप अपने पोलार अमाइनो एसिड्स को देखें तो वो नेगेटिव उनका इंडेक्स होता है।
तो ये याद नहीं करना है, ये टेबल याद नहीं करनी है, ये बस उसी एक्सपेरिमेंट के कॉन्टिन्यूएशन में मैंने आपको ये एक वैल्यू जो है वो शो कर दी। चलो अब ग्राफ देख लो, ग्राफ में क्या है, एक जो ये है दैट इज ग्लाइकोफोरिन, एक प्रोटीन है ग्लाइकोफोरिन, हमें पहले ही पता है कि ये कैसा प्रोटीन है, ये सिंगल पास प्रोटीन है, तो इसके पास एक ही आपका मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स रीजन था और इसने एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया था। तो ये देखिए ये पॉजिटिव साइन है, मतलब यहां पर जो है पॉजिटिव आई थी डेल जी एक बार हुआ, तो हाइड्रोफोबिक जो है, अगर ये ग्राफ बाई चांस CSIR में आपको फ्लिप करके पूछे तो आपको साइन याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पीक को काउंट कर लिया बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं, ये साइन याद रखिए, आपको याद रखना है कि आपका जो ये एक्स एक्सिस है और फिर ये जो वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में आपके अमाइनो एसिड के नंबर बता रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपका हाइड्रोपैथी इंडेक्स है, तो जो पॉजिटिव एरिया होगा वो हाइड्रोफोबिसिटी को डिनोट करेगा, जो नेगेटिव एरिया होगा वो आपका हाइड्रोफिलिसिटी को जो है वो डिनोट करता है। चलिए अब इसके बाद ये तो एक एग्जांपल, दूसरा बैक्टीरियो रोडोप्सिन जो आपका GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये आपका कितना 7 टाइम क्रॉस होता है, तो हाइड्रोपैथी में कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ आता है। तो अब आपको ये चीज समझ में आई कि जो हाइड्रोपैथी है याद नहीं करनी, वैल्यू पहले ही बता दिया है, वैल्यू को याद नहीं रखना है, बस आपको बताया है कि किस तरीके से अमाइनो एसिड, कौन कौन से अमाइनो एसिड है जो आपके नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, कौन से अमाइनो एसिड है जो पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं। चलो जल्दी से, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर दो और जरा ये एग्जाम्पल बता दो कि ये किस प्रोटीन का एग्जाम्पल है और यहां पर पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा। चलो तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो ये मैं समझ गई थी कि खाली आप लोग ने यहां से खुद से तो काउंट करना नहीं है, बस जो लिखा है इतना शॉर्टकट आप लोग अपनाते हैं। तो यहां पर एक ही आपका वाई एक्सिस है, एक ही आपका ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो जब आपका बाय और एक, तो आप यहाँ पे 7 बस क्यों काउंट कर रहे हैं, बाकी भी कौन काउंट करेंगे, मैं काउंट करूंगी बाकी का क्या, बैक्टीरियल रोडोप्सिन नहीं है ये, GPCR नहीं है ये, Band 3 है, 2 टाइम भी GPCR नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है ना तो आपको टोटल ही काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो ये क्या होगा, ये होगा है आपका Band 3, जो आपका 14 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। चलो गुड, जिसका ठीक था अच्छी बात है, जिसका ठीक नहीं हुआ उन लोगों ने सीख लिया तो कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है। चलो अब इसको भी फटाफट सॉल्व कर दो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अच्छे से पीक को काउंट करना।
चलिए तो इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो टोटल कितना है 12 पास है। अब जरा इसका एग्जाम्पल, ये होमवर्क है, देख के आना। ग्लाइकोफोरिन नहीं होता, ग्लाइकोफोरिन तो सिंगल पास होता है, तो इसका जरा देख के आना। बैंड 3 जो है वो 14 पास है, 12 पास भी है लेकिन 14 पास है। 12 पास का कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल अगर मिल पाए तो लेके आना, ठीक है।